ये रास्ता भी फोसबर्ग को ही गया है, और ये फोसबर्ग में फिर ये सारा उस तरफ से टाउन से जो है भी इसके बाद जो है टाउन के एंड हो जाता है, ये फोसबर्ग की तरफ ये रास्ता जो है गया है। ये रहा चना मसाला, ये चना मसाला के लिए ले लिया, और क्या चाहिए, छोटी छोटी चीज़ बस इधर ही रखो क्योंकि उन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है, और बस बहुत ज़्यादा है और बहुत। Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel guys. I hope कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे guys. सबसे सबको रमज़ान मुबारक, जिधर से भी आप देख रहे हो। मुझे पता है कि इस पाकिस्तान में तो आज ही जो है आज 23 है ना, हमारे साउथ अफ्रीका में 24 को जो है पहला रोज़ा होगा और पाकिस्तान में जो है वो 23 को तो स्टार्ट हुआ है। तो मैं आज ये ब्लॉग 23 को ही जो है अभी जो है मैं बना रहा हूँ, और मैंने अच्छे से और भी ब्लॉग बनाए बट इंशाल्लाह मैं जो है अपलोड करूँगा, बट टाइम मिलने की वजह से मैंने जो है वो एडिटिंग नहीं किया, तो इंशाल्लाह जैसे एडिटिंग करूँगा वो अपलोड करूँगा। और मैंने सोचा जो ग्रोसरी चीज़ें होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो जो चीज़ ज़्यादा से चीज़ें तो हमने पहले से बाई किया है, मेरा जो दोस्त है हमजा उसने पहले से, बट थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रह गई तो वो बाय करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को घर पर क्या चीज़ें बनाते हैं। और बाकी मैं आज शॉप पर आ चुका हूँ, तो अभी आज जो है मुझे साथ सब काम करना है, मतलब जो चीज़ को कल से ये होगा कि कल से मैं भी आराम से होऊंगा और जो मेरे साथ काम कर रहा है कासिम है वो भी आराम से, क्योंकि यार फिर रोज़ा होता है तो ज़्यादा फिर काम वाम हम करेंगे नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसको भी नहीं करवाऊँगा और ख़ुद भी जो है ना नहीं सर बस कस्टमर को डील ही करेंगे। तो आज सेटिंग भी करना है शॉप पर, और अभी कस्टमर को ऑर्डर है वो भी प्रिपेयर करना है, तो सारी चीज़ें करनी है। ये देख सकते हो अभी इसको प्रिपेयर करना है, मतलब रैपिंग करना है, वो एक प्लास्टिक वही है, इधर सेटिंग करना है, सारा शॉप में आज जो है मुझे सेटिंग करना है। आज का दिन जो है आज बिल्कुल फ्री नहीं बैठना, आज सारा शॉप में सेटिंग करना है, क्योंकि कल से जो है ना सिर्फ बस हम आराम ही करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग में जो छोटा सा ब्लॉग होगा बट आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें जो है शेयर करेंगे। और आज से तरावियाँ भी जो है स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, मैं भी तरावियाँ स्टार्ट करूँगा, तो बस जितनी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी मेरे रमज़ान में बहुत कम ब्लॉग आएंगे गाइस, क्योंकि रमज़ान होता है तो इसलिए मैं बहुत कम ब्लॉग बनाऊँगा, बट ईद के दिन फिर ब्लॉग ज़्यादा स्टार्ट होंगे। बाकी जैसे आप लोगों को कौन सी चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते, चीज़ पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बट अभी इन्फॉर्मेशन वीडियो इतने नहीं आएंगे जितने ब्लॉग्स आएंगे, छोटे छोटे से ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस रैपिंग करते टाइम नहीं, ये कस्टमर को ऑर्डर है, ये मुझे सेंड करना है जैसे कि लाहौर से कराची, तो एक इधर एक सिटी है वेस्टर्न कैप, उधर ये सेंड करना है। अभी कस्टमर जो है वो कोरियर सेंड कर लेगा, तो इसको रैपिंग और सब कुछ करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलूंगा। और मौसम भी अभी आज जो है इधर थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो गई, इधर अभी सर्दी स्टार्ट होगी। इससे पहले जो था साउथ अफ्रीका में सर्दी था, जो दूसरा रमज़ान की मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, उस टाइम जो था सर्दी था, पर इस टाइम अभी थोड़ा सा गर्मी भाई, इंशाल्लाह 5-10 दिन के बाद जो है इधर सर्दी भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस रैपिंग करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं, गाइस स्टे विद अस। ओके गाइस, तो अभी सुबह से जो है ना आज मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि सारे काम करने हैं, तो अभी वो स्टॉक जो मैं वो तो मैंने सेंड कर दिया, मेरे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वो जो है वीडियो उसका बनाऊं, तो अभी भी ये जगह थोड़ा सा सेटिंग के साफ माफ कर दिया। अभी भी आप लोग देख सकते हो ये क्या हाल हो, सारे रास्ता बंद है। अभी इधर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बाई किया, वो इलेक्ट्रिसिटी डालना था क्योंकि शॉप का जो इलेक्ट्रिसिटी वो ख़त्म होने वाला था, तो अभी और स्टॉक भी आया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ये टेबल्स आ गए, ये देख सकते हैं, ये इधर की छोटी जब पार्टियाँ होती है उसमें ये यूज़ होते, तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ जो है शेयर करें। ये स्टॉक आया था, देख सकते हो क्या हाल है शॉप का, ये देख सकते हो आप लोग। अभी सारा सेटिंग करना है, सारा में अभी ये देख सकते हो, तो ये भी उधर रखना है, सारा सेटिंग करना है, तो बस इस चीज़ों में बिजी है। इसके बाद फिर मैं शॉप बंद करूँगा, जाऊँगा ग्रोसरी चीज़ें लेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जितनी चीज़ें आज होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बस अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस पर मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे से ब्लॉग शेयर करूँगा और प्रमोशन वीडियो शेयर करूँ। जब भी आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो बहुत खुशी होती है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें गाइस, तो आप लोगों के लिए और भी अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे गाइस। तो आज का जो साउथ अफ्रीका का जो रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाइस, तो चैनल को बस सब्सक्राइब करें और चलते फोसबर्ग। मैं फोसबर्ग पर ही जाऊंगा, उधर से हम सारी चीज़ें लेते हैं, पाकिस्तानी इंडियन बंगाली एक बंगाली का शॉप है, उधर जाएंगे, उधर से सारी चीज़ें लेंगे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाइस।
ये रास्ता भी फोसबर्ग को ही गया है और ये फोसबर्ग में फिर ये सारा उस तरफ से टाउन से जो है भी इसके बाद जो है टाउन के एंड हो जाता है। इधर तो इतना रश है गाइस यार कि मैं क्या बताऊं यार, बहुत ज्यादा रश है। ये 30 सेंट का है, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो ये हाल है शॉप्स का, ये देख सकते हो कितना ज्यादा रश है। ये रहा चना मसाला, ये चना मसाला के लिए ले लिया। और क्या चाहिए, छोटी छोटी चीज़ बस इधर ही रखूँ क्योंकि उन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है। और रश बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रश है यार, मैंने ये चीज़ें ले लिया है। आई थिंक और चीज़ें इतने नहीं है मेरे हाथ से, सारी यही चीज़ें मुझे आई थिंक है और कुछ नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो अभी मस्जिद पर आया था और जो है ना बस तरावे पढ़ लिया है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है, इस तरफ भी गाड़ियाँ हैं और उस तरफ भी जो है गाड़ियाँ हैं। बस अभी मैं घर की तरफ निकलूँगा। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पर और मैं ऐसे में खाना पहले खाया था, नमाज से पहले मैंने खाया था, बट ऐसे मुझे आज मैंने ये लेकर आया हूँ औकाट। और ये जो है बहुत मज़े का औकाट है, इसका जूस जो है ना गाइस अमेजिंग है। इधर साउथ अफ्रीका में ऐसा ही दूध मिलता है, जूस बनाना है वो पीते। और सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, वो बना लूँ, अभी बना लूँ या कल बना लूँगा, बस देखता हूँ क्योंकि अभी टाइम जो है बहुत लेट हो चुका है, मतलब 10 अभी 9:30 बजे हो गए, तो मुझे सोना भी है, कल भी जल्दी उठना है। तो देखते हैं क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जूस बनाते हैं फिर उसके बाद जो है ना आपसे मिलते हैं गाइस। गाइस सब चीज़ें डाल दिया है, अभी बिस्मिल्लाह करते सारी चीज़ें डाल दी। ओके गाइस, तो अभी मैंने ये बना दिया, सही दिखा दूँ तो ये चेक कर सकते हो गाइस, बहुत अमेजिंग है, एक जगह ही पूरा बना दिया। तीन काटते मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी बनेगी, बढ़िया बहुत ज़्यादा बन गए, पर चलो कोई बात नहीं, साथ में हमजा भी है वो भी पी लेगा, उससे भी ज़्यादा बन गए, मतलब ये 3-4 बंदों का है, बट कोई बात नहीं, 20 से थोड़ा सा अभी पी लेंगे और कल भी पी लेंगे, मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। बहुत मज़ेगा गाइस। दूसरी बात यह कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना ताकतवर चीज़ है ये औकाट का, तो इसका जूस और ये ज़्यादा कहा करें आपके लिए बेस्ट होगा आपके सेहत के लिए। तो मैं अभी यहाँ सोच रहा हूँ कि यार चीज़ें अब ज़्यादा से चीज़ें मैंने तो पहले से भी बना लिया है, सही है, तो मैं कहता हूँ जो है चढ़े थे मैंने कहा वो मैं कल बना लूँगा क्योंकि अभी लाइट भी हो चुकी, 10 बजे होने वाले, कल मुझे सुबह उठना है फिर काम पर भी जाना है। तो ऐसे करेंगे कि इस वीडियो को मैं अभी एंड करूंगा। अगर ब्लॉग को एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी ब्लॉग के साथ मिलेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई सवाल आते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, इकरार के ऊपर इंशाल्लाह ब्लॉग को ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। चलो गाइस मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी गाइस, अल्लाह हाफिज़।